यार एक काम करो, 500 का ही डाल दो। क्यों बार बार रेडियो स्टेशन चेंज कर रहे हो? कब से कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा गाना लगाओ, लेकिन हर स्टेशन पर भाजपा सरकार के विज्ञापन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। वो देखो, पेट्रोल सेंचुरी मार रहा है, वो गैस सिलेंडर 900 के ऊपर पहुंच गया, और ये भाई साहब यहाँ खड़े खड़े बस मुस्कुरा रहे हैं। बार बार स्टेशन चेंज करने से कुछ नहीं होगा, इस बार एक काम करते हैं, ये विज्ञापन वाली भाजपा सरकार ही चेंज कर देते हैं। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने रीवागुड़ से कांग्रेस प्रत्याशी सुंदरलाल तिवारी के आरएसएस के ऊपर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से जनता को विकास के मुद्दे से भटकाती रही है। राकेश सिंह ने कहा कि सुंदरलाल तिवारी के बयानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बता दें कि सुंदरलाल तिवारी ने रीवा में प्रेस वार्ता के दौरान आरएसएस को आतंकवाद का प्रतीक बताया था। सुंदरलाल ने यह भी कहा था कि आरएसएस कभी भी अपने कार्यक्रम में देश का झंडा नहीं लगाती। कहा कि आरएसएस एक संगठन है जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। तिवारी के इस बयान के बाद सियासत गर्म हो गई थी। हालांकि पार्टी ने सुंदरलाल के इस विवादित बयान से पल्ला झाड़ लिया है। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने आरएसएस को प्रतिबंधित करने की बात नहीं कही है। वहीं शोभा ओझा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस विकास की बात कर रही है, कांग्रेस किसान की बात कर रही है, कांग्रेस बेरोजगारों की बात कर रही है, कांग्रेस ने हमेशा विकास की ही बात की है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई दूसरी नहीं हो सकती कि कांग्रेस विकास के तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाकर जानबूझकर इस तरह की अनर्गल बातें वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों में हुए जो विकास के कार्य हैं उनकी तरफ से जनता का ध्यान बांटा जा सके। लेकिन उनको पता नहीं है कि ऐसा करके वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जितना ज़्यादा संघ के खिलाफ वो कहेंगे उतना ही जनता का आक्रोश उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता जानती है कि संघ देश का एकमात्र ऐसा संगठन है जो देश के लिए समर्पित है। कांग्रेस या कांग्रेस का कोई भी संबंधित संगठन कभी उसके आसपास भी आकर खड़ा नहीं हो सकता। कांग्रेस तो विघटनकारी ताकतों को, देश को बांटने वाली ताकतों को हमेशा से सहयोग और मदद करती आई है। ऐसे लोगों के गले में हाथ डालकर वो गौरव का अनुभव करती है, और इसलिए सुंदरलाल तिवारी जैसे लोग अगर इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी बातों पर मुझे जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस का जो पिछले 2-3 दिनों का अपना प्रयास है, जो घृणित प्रयास है, उसके बारे में मुझे जरूर कहना चाहिए, और वही मैंने आपसे भी कहा। राहुल गांधी जी ने 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करने की कही, और टैक्स भी निश्चित ही हम जितनी जल्दी हो सकेगा सरकार आएगी और हम टैक्स कम करेंगे जिससे कि जनता को राहत दे सके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। यार एक काम करो, 500 का ही डाल दो। क्यों बार बार रेडियो स्टेशन चेंज कर रहे हो? कब से कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा गाना लगाओ, लेकिन हर स्टेशन पर भाजपा सरकार के विज्ञापन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। वो देखो, पेट्रोल सेंचुरी मार रहा है, वो गैस सिलेंडर 900 के ऊपर पहुँच गया, और ये भाई साहब यहाँ खड़े खड़े बस
मुस्कुरा रहे हैं। बार बार स्टेशन चेंज करने से कुछ नहीं होगा, इस बार एक काम करते हैं, ये विज्ञापन वाली भाजपा सरकार ही चेंज कर देते हैं। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।